Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Today's video is going to be a tutorial video, not a blog video. आज हम अगर आप एक content creator हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. Content creator मतलब टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो, यूट्यूब में ब्लॉगिंग करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड अगर आप content creator नहीं हो तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हो. अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को देख लो. कौन सा झंडा करने जाना है तुम सबको इस लॉकडाउन में. तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चिपेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप इन छाल 2020 एंड हाउ टू यूज इट एंड पर्सनली मैं क्या इक्विपमेंट यूज करता हूँ मेरा ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए, इससे बारे में इस वीडियो में जानने वाले. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, ब्लॉगिंग के लिए एक ही प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए एंड उसके साथ विथ माइक विथ ट्राइपॉड. लेकिन आप अगर इस सारे चीज़ को अफोर्डेबल नहीं कर सकते तो आप ले एक चीपेस्ट वे में अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आप एक बिगनर के लिए ये सबसे चीपेस्ट वे हो सकता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी कैमरा, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल माइक, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल ट्राइपॉड. बट अगर हम मेरे चैनल को जाकर मेरे सारी वीडियो को हाई क्वालिटी से चेकआउट करेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर होगी कि मैं इस वीडियो को कैमरा से शूट किया हूँ या मेरा फ़ोन से शूट कर रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली मैं इवन अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मेरा फ़ोन से हो रहा है, जिसका फोन नाम है रेडमी नोट 7 प्रो. लेकिन मैं जब तक इस किसी को बताने देता कि मेरा सारे जो फुटेजेस में रिकॉर्डिंग किया हूँ तो मेरा फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देन उसके बाद जाकर कोई बिलीव कर सकता है. लेकिन जो मैं जब तक किसी को नहीं बता देता. एंड देखिए, एवरी फोन कम्स विथ गुड कैमरा एंड नॉट ए गुड फीचर. लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो रेडमी फ़ोन होता है, रेडमी फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए. एक बिगनर के लिए मैं रेडमी फ़ोन इसीलिए बोल रहा हूँ कि रेडमी फ़ोन में आपको गुड कैमरा के साथ गुड फीचर मिल जाता है, जैसे कि टाइम लैप्स, स्लो मोशन, इन सारे फीचर आपको रेडमी फ़ोन में मिल जाएगा, जो आपको मिड रेंज बजट स्मार्टफोन में दूसरे ब्रांड में नहीं मिल सकता है. अगर आप एक महंगा कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक मोबाइल फ़ोन में ब्लॉग आराम से शूट कर सकते हो. इन कैमरा जाने के बाद हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल माइक के लिए. देखिए, माइक की आपको जब ज़रूरत होगी, जब आप आउटडोर में कोई शूट करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग के लिए डेफिनेटली आप आउटडोर में डेफिनेटली जाओगे. देखिए, साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी आता है. अगर आप इंडोर में शूट करते हो आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन में काम चल जाएगा. अगर आप आउटडोर शूट करने के लिए गए हो तो आपको डेफिनेटली एक इस तरह की माइक्रोफोन की ज़रूरत हो सकती है. दिस इज़ कॉल्ड एज बोया बाय MM1 माइक. अगर आप ये वाला छोटा सा माइक इस तरह ये ट्राइपॉड के साथ लग जाएगा. अगर आप और भी एक माइक प्रेफर कर सकते हो, ये जो है ये मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिस इज़ द इससे 20 फीट का ओयर इसमें आता है एंड इसमें ओयर नहीं आता है. इस कॉल्ड आज बोया बाय M1 माइक एंड इस कॉल्ड बाय बोया MM1 माइक. माइक आपको मार्केट में 1500 रुपये में मिल जाएगा. अपर टाइम में बाइक परचेस करते हो तो आपको और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा. देन उसके बाद आपको और एक चीज़ की ज़रूरत होगी, जो होता है ये इस कॉल्ड आज ट्राईपॉड. इस तरह एक छोटा सा ट्राईपॉड है, ये आपको मार्केट में 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट में. अगर आप इन सारी चीज़ को बाय करना चाहते हो, मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ. देन उसके बाद बात करें, देखिए इस तरह अगर आप इस तरह माइक को यूज करते हो तो आपको एक हॉट शू की ज़रूरत हो सकती है. देखिए हॉट शू इस तरह, हॉट शू देखने को है, ये भी मार्केट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ. अगर आप इस तरह के माइक परचेज करते हो तो आपको इस तरह की चीज़ लेना पड़ेगा. अगर आप ये माइक परचेज करते हो तो आपको ये हॉट शू की कोई ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप इस माइक को इसका नाम है हॉट स्क्रू, इसको अलग से परचेस करना पड़ेगा. अलग से परचेस करने के बाद आपको फेब्रिक्विक के साथ इसमें के अंदर यहाँ पे चिपकाना होगा. देन उसके बाद आपको इस तरह माइक को इसके अंदर ढकेलने के टाइट करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा सेटअप. इसके अंदर मोबाइल आ जाएगा एंड ये हो गया सेटअप. एंड इसके सहारे आप प्रोफेशनल वीडियो शूट कर सकते हो. जो ये हो गया दिस इज, तो इस सेटअप के साथ आप अगर आप बिगनर ब्लॉगर है तो आराम से इस सेटअप के साथ आराम से कोई वीडियो शूट कर सकते हो. देन बात करें फर्स्ट ऑफ दिस सेटअप, देन बात करें ये कॉल्ड आज ट्राईपॉड नेम, दिस कॉल्ड आज ट्राईपॉड. इसका लगभग मार्केट प्राइस आपको 500 के अंदर मिल जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड आज हॉट स्क्रू. आपको अगर ये वाला माइक लेते हो तो इसके लिए हॉट स्क्रू लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको 250-200 रुपये मिल जाएगा. एंड देन बात करते हैं ये माइक, जिस नेम कॉल्ड आज बोया बाय MM1 माइक. और ये माइक परचेस करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको मार्केट में आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा. आराम से इस तरह सेटअप को यूज करके एक वीडियो बना सकते हो. अभी मेरे चैनल में जितने सारे वीडियो देख रहे हो, मैं सारे वीडियो को इस सेटअप से शूट किया हूँ. आई एम श्योर आप सबको इस वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज जरूर हो गई होगी हाउ टू सेटअप ए चिपेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप इन साल 2020 में. सभी को इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा
एंड मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड डे। सर बाय बाय।